Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि एक विद्यार्थी की सफलता के पीछे कई कारक होते हैं। सामूहिक प्रयास से ही सफलता संभव है। गोल्ड मेडल पाने वाले 39 छात्र छात्राओं में एक बड़ा प्रतिशत छात्राओं का है जो बधाई के पात्र हैं। ये देश का भविष्य है। महिला सशक्तिकरण के माध्यम से ही देश के आर्थिक विकास को गति देते हुए आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज शोभित विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। देखिए, इसलिए बधाई देता हूँ कि दिस फेनोमेना रिफ्लेक्ट्स दी फ्यूचर ऑफ इंडिया। ऐसा लगता है भारत सरकार प्रधानमंत्री जी कभी कभी कहते हैं वी आर गोइंग टू एम्पावर अवर डॉटर्स अवर वुमेन, और उसके साथ ये भी जोड़ते हैं कि वी आर आल्सो वी वांट दैट देयर शुड बी वीमेन लेट डेवलपमेंट। हमारी बेटियों बहनों और माताओं के माध्यम से विकास का वो नेतृत्व का एक बहुत बड़ी चीज़ है, और जिस नेतृत्व वीमेन लेट डेवलपमेंट की बात होती है उसको मैं आज अपनी आंखों से साक्षात देता हूँ। इसलिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और ये स्थिति केवल आपके शोभित विश्वविद्यालय तक सीमित नहीं है। मैंने जब मैं राष्ट्रपति था तो लगभग 150 देयर वर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आर दी इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस जिनका कि मैं विजिटर हुआ करता, और उनमें बहुत सारे कन्वोकेशंस में मेरा जाना हुआ, और मैंने हर जगह यही देखा कि बेटियां जो हैं वो ओवर स्मार्ट हैं और वो हमारे जो बेटे हैं उनसे आगे निकल रहे हैं। बहुत खुशी होती है। मैं स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली सभी छात्राओं को विशेष बधाई देता हूँ। प्रायः सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्राओं द्वारा श्रेष्ठ प्रदर्शन किया जाता है। ये बेहतर समाज के निर्माण की दिशा में भारत की प्रगति का द्योतक है। महिला सशक्तिकरण के माध्यम से ही हम देश के आर्थिक विकास को गति देते हुए आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आज हम देखते हैं बेटियों के बारे में मैंने जो बात कही उसे मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूँ। मिलिट्री के तीन विंग्स, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, और उसमें मैंने देखा सबसे ज़्यादा आर्मी में हमारी बेटियाँ हैं, उसके पश्चात एयरफोर्स में और नेवी में मान करके चलिए 4-5% नॉट मोर दैट। लेकिन मुझे खुशी है आज वो हमारे बीच में नहीं है। जो CDS होकर के जिनका देहावसान हुआ जनरल बिपिन रावत, उनसे मैं कभी कभी बात करता था और मैं कहता था रावत साहब आपके रहते हुए ये हो सकता है, आप नेवी में भी हमारी बेटियां आनी चाहती आना चाहती, आप उनको अवसर देने की बात है। और उन्होंने कुछ कंस्ट्रेंट्स हमसे शेयर किए थे, मैंने कहा इन कंस्ट्रेंट्स के बावजूद आप प्रयास करिए, और आज मैं कह सकता हूँ कि वो प्रतिशत 5% जो कि इसकी बात मैं करता हूँ 3-4 साल पहले हुआ करता था, अभी वो प्रतिशत जो है वो 10% तक पहुँच गया। देवी और सज्जनों, मेरठ की विरासत अनूठी एवं अद्वितीय है। मेरठ शहर हमारी ऐतिहासिक संस्कृति और विरासत के दृष्टिकोण से समृद्ध। मेरठ हम सब लोग जानते हैं सन 1857 के दौरान ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ उठने वाले भारतीय विद्रोह में अग्रणी था। अतः ये कहना उचित होगा कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बहादुरी, दृढ़ता और साहस की भावना आपके शहर में अंतर्निहित है और आज भी प्रेरणा का स्रोत बनी। शैक्षणिक संस्थान भविष्य के निर्माता हो, वे न केवल छात्रों को शिक्षा प्रदान करते हैं बल्कि उन सबको एक अच्छा नागरिक और सफल कर्मी भी बनाते हैं।
शिक्षा किसी भी राष्ट्र की आधारशिला होती है जो उसकी सफलता का पथ प्रशस्त करती है। शिक्षा के बल से विद्यार्थियों का न केवल बौद्धिक एवं कौशल विकसित होता है अपितु शिक्षा से मनुष्य में चरित्र एवं नैतिकता का निर्माण भी होता है। अतः यह अत्यंत आवश्यक है हमारी विद्या हम में नैतिकता के अप्रतिम मानकों को प्राप्त करने में सफल बनाए। देवी और सज्जनों, इस कार्य में शिक्षकों का अतुलनीय प्रयास होता है। मेरा मानना है कि शिक्षा प्रदान करना राष्ट्र निर्माण के लिए भी महत्वपूर्ण है। यदि आप विचार करें तो हमारे देश के अनेक स्वतंत्रता सेनानी एवं महापुरुष शिक्षा जगत से जुड़े हुए वे शिक्षक के रूप में प्रायः सेवार्थ थे। अतः मुझे लगता है कि कल की युवा पीढ़ी को शिक्षा एवं ज्ञान प्रदान कर सभी शिक्षक देश सेवा व राष्ट्र निर्माण में भागीदार बन गए। मुझे ये भी प्रसन्नता है कि प्रतिष्ठित संस्थान शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है और भारत में ज्ञान और नवाचार के एक प्रकाश स्तंभ के रूप में उभर रहा है। मुझे बताया गया है कि शोभित विश्वविद्यालय शैक्षणिक उत्कृष्टता और अनुसंधान के केंद्र के रूप में एक विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय बनने के लक्ष्य के साथ इंजीनियरिंग कानून प्रबंधन कंप्यूटर विज्ञान और अन्य विभिन्न छात्र क्षेत्रों में शैक्षणिक कार्यक्रम उपलब्ध कराता है। प्यारे विद्यार्थी, आप सभी इस बात से अनभिज्ञ नहीं हुए कि हमारे शास्त्रों में ज्ञान को सबसे बड़ा धन माना गया है। ये धन के सभी रूपों में सर्वोत्तम होता है। जैसा कि प्रसिद्ध कहावत है कि विद्या अर्थात नॉलेज कि इसे चोरों द्वारा चुराया नहीं जा सकता, शासकों द्वारा इसे जब्त नहीं किया जा सकता और भाइयों में इसको विभाजित नहीं किया जा सकता। और ये ऐसा धन है विद्या धन कि जिसको जितना खर्च करते हैं ये उतना ही फलता होता है। इसलिए ज्ञान धन सभी प्रकार के धनों में सबसे महत्वपूर्ण होता है। हम सब जानते हैं कि ज्ञान मनुष्य जीवन की वह नींव होती है जिस पर प्रत्येक व्यक्ति का चरित्र निर्मित होता है। मैंने पहले भी कहीं कहा है और मैं फिर दोहराना चाहूँगा, शिक्षा परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है और युवा सामाजिक परिवर्तन का सबसे शक्तिशाली प्रतिनिधि है। शिक्षित युवकों को सही दिशा दी जाए तो वे इतिहास की धारा में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य ही है। सौभाग्य से 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति मेरे राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान ही इसका लॉन्चिंग हुई थी और मुझे खुशी है कि उस दिशा में ये शिक्षा नीति हमारी पूरा देश जो है इसको अंगीकृत कर रहा है। नई शिक्षा नीति वर्तमान की उभरती जरूरतों के लिए प्रासंगिक अनुसंधान कौशल और कौशल के आधार पर एक आधुनिक शिक्षा प्रणाली को लागू करने में प्रयासरत है। भविष्य के दृष्टिकोण के अनुरूप ही अपने कार्य क्षेत्र में हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को भी शामिल करेगा। यह नीति नैतिक मूल्यों को विकसित करने और भारतीय संस्कृति की समझ को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। यह शोधकर्ताओं और पेशेवरों की तैयार करेगी जो हमारे देश के हमारी राष्ट्रीय आकांक्षाओं के अनुरूप विकास की ऊंचाइयों पर ले जाए। मुझे विश्वास है कि इस नीति के कार्यान्वयन से आधुनिक शिक्षा को एक नई दिशा एवं प्रोत्साहन मिलेगा। देवी और सज्जनों, आज का दीक्षांत समारोह शिक्षा की यात्रा में मैं विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए कह रहा हूँ, आज का दीक्षांत समारोह शिक्षा की यात्रा में आप सभी के लिए एक मील का पत्थर है। इस विश्वविद्यालय से स्नातक करने से आपको एक मजबूत नींव मिलेगी। मुझे यकीन है कि जब आप बाहर की दुनिया में कदम रखेंगे तब आप इस संस्था में से प्राप्त विद्या से अपने को सशक्त पाएंगे और उच्च लक्ष्य हासिल करने के लिए सक्षम होंगे। मैं आपसे हमारी मातृभूमि का भी ध्यान रखने के लिए मैं आग्रह करूँ। आपको न केवल अपनी मातृ संस्था जहाँ से आपको शिक्षित होकर के डिग्री लेकर के जा रहे हैं
इसके अतिरिक्त भी हमारी मातृभूमि के प्रति कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में हमारे राष्ट्र की समृद्धि और विकास में योगदान देने का प्रयास करना होगा। मुझे विश्वास है कि आप भारत के कर्तव्य सचेत नागरिक के रूप में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे। कभी कभी मैं इसको दूसरे ढंग से कहता हूँ। आई ऑलवेज से व्हेनेवर यू गो आउट ऑलवेज रिमेंबर द सोसाइटी। सोसाइटी इज नॉट व्हाट वी सी आउटसाइड। सोसाइटी इंक्लूड्स योर फैमिली, योर पेरेंट्स, फैमिली मेंबर्स, योर नेबर्स, ये सभी लोग जो आपके रिश्तेदार हैं, गांव के लोग हैं, आपके टोले के लोग हैं, आपके नगर के हैं, आपके जिले के लोग हैं, ये सभी सोसाइटी का हिस्सा बनते हैं। और इस सोसाइटी को हमें वी हैव टू गिव बैक इन व्हाट एवर मैनर वी कैन अफोर्ड। जो कुछ भी हम कर सकते हैं, यदि आप कहीं पर भी पहुँचेंगे और यदि ध्यान रखेंगे कि मैं जिस मात्र संस्था से डिग्री लेकर के आया था उसका हाल चाल पूछने के लिए मैं जाता हूँ, मैं जिस मेरठ से निकल करके आया था मैं उस मेरठ शहर को देखना चाहता हूँ, हमने जो हासिल किया है ज़िंदगी में वो मैं मेरठ के लिए क्या दे सकता हूँ, मैं आने वाली पीढ़ी के इस शोभित विश्वविद्यालय के आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या दे सकता हूँ। आप कभी सोचिए, और मुझे लगता है जिसको एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन से इससे बड़ा कोई नहीं होता। और मैं जब मुझे कभी कभी लोग कहते थे कि आप अपने गांव जाते हो तो मातृभूमि के राष्ट्रपति होते हुए भी, अभी दो दिन बाद जब मैं गया पिछले कार्यकाल, पिछला कार्यकाल अर्थात वर्तमान में नहीं है, कार्यकाल मतलब पिछले समय जब मैं था, तो मैं ये जो चॉपर वो व्यवस्था है, सरकार की व्यवस्था है, तीन तीन चॉपर जाते हैं एयरफोर्स के जाते हैं, तो जब उतरते हैं तो मैं सबसे पहले एक लाइन में खड़े होते हैं हमारी महामहिम राज्यपाल महोदया, हमारे मुख्यमंत्री और जितने भी अधिकारी मंत्री, ये सब लोग खड़े रहते हैं। लेकिन मैं सबसे पहले उतरते ही सबसे पहले मैं अपनी मातृभूमि के चरण और इसलिए करता हूँ कि इसका श्रेय सही मायने में मैं अपनी मातृभूमि को देता हूँ। यद्यपि मैं उस मातृभूमि में मात्र 13 साल और कानपुर में 9 साल हुए, लेकिन आज भी मुझे कानपुर की भी याद आती है, अपने गांव की भी याद आती है। और ये इसलिए कुछ भी हो, लेकिन जो कुछ जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ उसका यदि सबसे बड़ा श्रेय जाता है वो हमारी मातृभूमि को जाता है। ऑफ कोर्स इट गोज टू एवरीबडी, टू यू आल्सो, टू मेरठ आल्सो, टू इंटायर उत्तर प्रदेश। इंटायर उत्तर प्रदेश की मैं बात इसलिए कहता हूँ सोबे जी, क्योंकि आई हैपन टू बी द फर्स्ट प्रेसिडेंट इन इंडिया हेली फ्रॉम उत्तर प्रदेश, इसलिए मैं उत्तर प्रदेश का भी आभारी हूँ। उत्तर प्रदेश को भी मैं इसके क्रेडिट देता हूँ। देवी और सज्जनों, वर्तमान में रोजगार की परिभाषा बदल गई, एक बात मैं और उसमें जोड़ दूँ, गिव बैक टू द सोसाइटी। जब मैं राष्ट्रपति था वो एक परंपरा है, जितने भी सेंट्रल सर्विसेज के IAS, IAS, IPS ये सभी अधिकारी होते हैं तो राष्ट्रपति को ट्रेनिंग के दौरान कालान करते हैं, अर्थात एक विनम्र शिष्टाचार बस आते राष्ट्रपति भवन। तो एक बार मैं इसी बात को गिफ्ट बैक टू द सोसाइटी ये बात मैं कह रहा था, तो वन जेंटल वन ऑफिसर हैपन टू बी फ्रॉम मुंबई और उसने बाद में सवाल कर दिया कि सर आप ये गिफ्ट बैक टू द सोसाइटी कह रहे हैं ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप अगर गिफ्ट बैक टू द फैमिली कहते, गिव बैक टू दी पेरेंट्स कहते, गिव बैक टू योर रिलेटिव्स कहते, उससे समझ में आता है क्यों मित्र कोई इसको आपका एयरपोर्ट पर पहुंचा था रिसीव करने, नहीं सर दिल्ली इज क्वाइट अननोन टू मी, मेरा कोई रिलेटिव नहीं, कोई फ्रेंड सर्कल नहीं, कोई नहीं। तो मैंने कहा हमें ये बताइए उस दिन अगर आप कैसे गए थे, कहले साहब उस दिन जो था दुर्भाग्य से टैक्सी की स्ट्राइक थी। मैंने कहा फिर कैसे गए आप,
आपका जब कोई जान पहचान नहीं, टैक्सी वाले को तो आप पेमेंट करेंगे तो चले जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप चलिए सर, मैं अपना ब्रीफ केस लेकर के मैं वहाँ खड़ा हुआ था और मैं देखता था जो फैमिली के साथ जाते थे, मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करता और ये कहता था कि सर मैं इस सिचुएशन में हूँ, आज मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है और मेरे पास केवल 1.5 घंटा समय बचा है, यदि आप हमें पहुँचा देंगे तो मैं आपका बड़ा कृतज्ञ। मैंने कहा उसने क्या किया, पहले मैंने 2-3 लोगों से कहा, एक भाई जो था वो राजी हुआ, उसने कहा आइए बेटे आप बैठिए, और उसने उसका जो सहायक साथ में चल रहा था तो सीट नहीं थी, उसने सहायक को नीचे उतार दिया, उसने कहा तुम जो है वो 3-व्हीलर लेकर के आ जाना या बस से आ जाना, हम इनको ले जा कर के UPSC के गेट पर छोड़ेंगे। तो मैंने कहा हु वाज ही, नाउ यू मस्ट रियलाइज ही इज ए पार्ट ऑफ द सोसाइटी, जिसके लिए मैं कहता हूँ गिव बैक टू द सोसाइटी। आपको पता नहीं हमें कौन कौन मदद कर रहा है यहाँ पहुँचने में, न जाने कितने लोगों को, ये बच्चे हमारे जो 9-8 बच्चे हैं बेटियाँ हैं, इनको कितने लोगों ने मदद की होगी, जो टीचर्स हैं लेक्चरर्स हैं डीन्स हैं, इन्होंने तो मदद की आपको पहुँचा दिया, लेकिन न जाने कितने चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी, मत भूलना कभी उनके योगदान को, आप जितना याद रखोगे तो मुझे लगता है आज में जितने भी ये टॉप ऑफिसर्स हैं कभी कभी कालान करने आते हैं, मैं उनको यही कहता हूँ, कहते साहब मेरा ईगो है, मैं कैसे बात करूँ अपने सबॉर्डिनेट को, मैं तो रिटायर हो गया हूँ, मैं अपने कैसे, मैंने कहा अपनी विनम्रता, ये विनम्रता कभी भी आप भूलना, वेर एवर यू रीच हाउस ओवर हाइएस्ट पोजिशन यू मे एक्वायर प्लीज डू रिमेम्बर दैट योर बिहेवियर विल ऑलवेज काउंट, और ये विनम्रता का जो व्यवहार है वही आपको बहुत ऊपर तक ले जाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, देवियों और सज्जनों, वर्तमान में रोजगार की परिभाषा बदल रही है, रोजगार का मतलब केवल नौकरी ही नहीं रह गया, स्वरोजगार करना और दूसरों के लिए रोजगार उत्पन्न करना अधिक उत्कृष्ट माना जाने लगा। नाउ द परसेप्शन इज चेंजिंग डे बाय डे, स्वरोजगार में सफलता के नित नए उदाहरण देखने को मिलते हैं, स्वरोजगार के लिए पूंजी उपलब्ध कराने के लिए मुद्रा योजना तथा अन्य कई योजनाओं के तहत सरकार द्वारा सहायता भी प्रदान की जाती है, सरकारी प्रक्रियाओं को भी आसान बनाया गया, हाल के वर्षों में भारत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के पैमानों पर तीव्र गति से विकास कर रहा है, आवश्यकता आप जैसे युवा इन अवसरों का भरपूर उपयोग करने के लिए और अपने विकास करते हुए दूसरों के लिए विकास के अवसर पैदा करें। मुझे आशा है कि आप सभी विद्यार्थी अपने विकास के अवसरों को तलाश कर पूरी एकाग्रता के साथ उनका उपयोग करें। आप सभी विद्यार्थियों में अपार प्रतिभा और क्षमता है, जिसको आप देश के हित में लगाकर राष्ट्र निर्माण में अपना अद्भुत योगदान दे सकते हैं। आप जैसे अनेक भारतीय मूल के लोगों ने विश्व स्तर पर भारत को गौरवान्वित किया है। देवी और सज्जनों, अंत में मुझे खुशी है कि आज इस मंच पर हमें 2 विशिष्ट व्यक्तियों को मानद डॉक्टरेट उपाधि प्रदान करने का सौभाग्य मिला है। इस शुभ अवसर पर सिंगापुर के श्री जैक्सन, जो सार्वजनिक स्वच्छता और शौचालयों के क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए प्रसिद्ध, और ऑस्ट्रेलिया के ब्रायन और डॉनल, जो सिविल इंजीनियरिंग अवशिष्ट से ऊर्जा और मिट्टी स्थलीकरण में अपना योगदान के लिए पहचाने जाते हैं, मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूँ। मिस्टर जैक्सन फ्रॉम सिंगापुर एंड मिस्टर ब्रायन और डॉनल, आई एक्सटेंड माय हार्ट फेल्ट कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू। एज वी नो मिस्टर जैक्सन इज द फाउंडर ऑफ वर्ल्ड वायलेट ऑर्गेनाइजेशन, that is one of the biggest organizations. They have got global sanitation recognition. And as you know, United Nations World Toilet Day was declared to be celebrated all over the country on November 19th. And his motto
which is important to live a useful life. और इसी संदर्भ में आप सबसे शेयर करना चाहूँगा जिसको कि भारत सरकार की ODF योजना के तहत आगे इसको बढ़ा रही है। सुलभ शौचालय को हमने सुना है, ये इसका तो बहुत प्रचार हो गया है जो ODF का प्रधानमंत्री जी बार बार और कभी उन्होंने तो लाल किले से और लोगों ने कुछ कटाक्ष भी किए थे कि एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो टॉयलेट की बात लाल किले के एयरपोर्ट से करता है, कुछ कटाक्ष भी हुए थे। लेकिन आज उन लोगों से पूछो, माताओं बहनों से पूछो जिनके यहाँ पर इज्जत घर, जिसको हम इज्जत घर कहते हैं, टॉयलेट बन चुके हैं घरों में, उनकी पीड़ा को यदि आप कभी समझेंगे, रियलाइज करेंगे, ओनली देन यू कैन अप्रिशिएट व्हाट दिस गवर्नमेंट हैज डन। इसी संदर्भ में एक सुलभ शौचालय का मूवमेंट जिससे मैं जुड़ा रहा, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली जुड़ा रहा, और उसके डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक, उनको मैं जानता था जब से मैं बिहार में गवर्नर था, मुझे मिला करते हैं। और उन्होंने पालम कॉलोनी है दिल्ली में, वहाँ पर एक टॉयलेट म्यूजियम, कभी आपने सुना है कि टॉयलेट। फर्स्ट बाइट डॉट टीवी के कैमरे ने दीक्षांत समारोह के इन यादगार पलों को कुछ इस तरह से कैद किया, देखिए। एवं स्वागत, कोई भी अपने स्थान पर खड़ा ना रहे, कृपया अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। उनके साथ स्वागत भाषण देने की कृपा करें। हमारे मार्गदर्शक माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी, 14वें राष्ट्रपति भारत, माननीय श्रीमती सविता कोविंद जी, प्रिय स्वाति कोविंद, हमारी संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर शोभित कुमार जी, मेरे सहयोगी शिक्षकगण, मीडिया के हमारे साथी, यहाँ उपस्थित परिजन और बहुत प्रिय स्नातक छात्र छात्राओं, आज शोभित विश्वविद्यालय के 15वें दीक्षांत समारोह पर मैं न केवल गर्वित हूँ, सम्मानित हूँ, अभिभूत हूँ। ये एक ऐसा क्षण है जब एक यात्रा समाप्त होती है और एक नई यात्रा की शुरुआत होती है, और जब उस यात्रा का समापन है, जब आपकी दीक्षा का अंत हो रहा है और जीवन की एक नई यात्रा आप शुरू करने जा रहे हैं, उस समय हमारे बीच में जब हमारे मार्गदर्शक हों, राष्ट्र के पूर्व राष्ट्रपति हों, तो उससे अच्छा और क्या हो सकता है। आदरणीय रामनाथ कोविंद जी का जीवन हम सबके लिए प्रेरणा का एक बिंदु है, एक प्रेरणादायक उदाहरण है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से निकलकर आना और सर्वोच्च पद तक पहुंचना, उसमें शिक्षा का योगदान भी है, उसमें आत्मबल भी है, उसमें आत्मविश्वास भी है, और मुझे लगता है कि सभी शोभितियंस को जो आज इस प्रांगण में बैठे हैं, उनसे यही सब अपने साथ लेकर जाना है कि हमारे अंदर आत्मविश्वास हो, आत्मबल हो, और कहीं ना कहीं कुछ नया करने की इच्छा 24 घंटे हमारे पास हो। प्रांगण में शोभितियंस का परिवार भी बैठा है, मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद आपको करता हूँ। जब कोई बच्चा बड़ा होता है तो पहला सपना जो वो देखता है वो अपने माँ बाप की आंखों में देखता है, और उस सपने को पूरा कराने के लिए आपने जो प्रयत्न किया, जो प्रयास किया, जो सहयोग किया,
शायद उसी वजह से आज विश्वविद्यालय को जाना जाता है जब हमारे विद्यार्थी सारे विश्व में अपना परचम फैलाते हैं, और शायद इसीलिए कि जो छात्र छात्राएं यहाँ बैठी हैं वो सफल हो पाते हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आपका बहुत बहुत साधुवाद आप सभी को। मैं अपने सहयोगियों को, सभी शिक्षक गणों को, स्टाफ को शोभित विश्वविद्यालय के बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक शैक्षिक माहौल इस परिसर में हमेशा से बनाए रखा है। शायद उसी वजह से आज विश्वविद्यालय विश्व में इस भारतवर्ष में तीसरे नंबर पर नवाचार को लेकर, पेटेंट को लेकर भारत सरकार की रिपोर्ट में शामिल हुआ है, जहां दूसरे पर सारी IIT हैं इकट्ठी होकर, वहाँ तीसरे पे छोटा सा एक विश्वविद्यालय यदि आता है तो कहीं ना कहीं आप सबका बहुत बड़ा योगदान है, और आप सबको बहुत 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 बधाई इस सबके लिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.tv। नमस्कार।